साथियों, आज देश में वो सरकार है जो किसान की भी सुनती है, मजदूर की भी सुनती है, व्यापारी की भी सुनती है, उद्योग जगत की भी सुनती है, उनकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करती है, उनके सुझावों पर संवेदनशीलता के साथ काम करती है। आप सोचिए, क्या उद्योग जगत नहीं चाहता था कि देश में टैक्स का जाल कम हो, हर राज्य में अलग अलग दरों की परेशानी से उसे मुक्ति मिले? हमारी सरकार ने दिन रात एक करके आपकी इस मांग को पूरा किया। हम जीएसटी लेकर के आए, इतना ही नहीं, व्यापारी जगत से जो जो फीडबैक मिला, हम जीएसटी में आवश्यक चीजें जोड़ते गए, जहां कम करना था कम करते गए, लगातार हम उसको डायनेमिक तरीके से बदलाव करते भी रहे। साथियों, बरसों से भारत का उद्योग जगत बिजनेस को आसान बनाने की मांग कर रहा था, प्रक्रियाओं को ट्रांसपेरेंट और सिंपल करने की मांग कर रहा था। अब आपको याद रहना चाहिए कि आप लोग मांग करते थे, नहीं तो जो मिला वो मेरा वो भूल जाओ। खैर, 70 साल की आदतें बदलने में जरा तकलीफ होती है। और आप ही की इस मांग पर भी हमारी सरकार ने जो भी कर सकता है हमने काम करने का प्रयास किया है। आज भारत दुनिया के उन टॉप 10 देशों में शामिल है जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में लगातार सबसे अच्छा सुधार किया है। कंट्री की रैंकिंग में हम, जब मैंने जिम्मेवारी संभाली तब हम 142 पर थे, 190 में 142 थे। 3 साल के भीतर भीतर हम 63 पर आ गए हैं। ये सब ऐसे ही हुआ होगा क्या? बहुत लोगों की नाराजगी मोलने पड़ती है, बहुत लोगों का गुस्सा सहना पड़ता है, भांति भांति के आरोपों से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये सब इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि देश के लिए करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहने में 4 शब्द हैं, लेकिन इस रैंकिंग में बदलाव तब होता है जब दिन रात लक्ष्य तय करना, रोड मैप तय करना, मॉनिटरिंग करना, फॉलोअप करना, कानून बदलना, नियम बदलना, अफसरों को ट्रेन करना, यानी बहुत कुछ करना पड़ता है। जमीनी स्तर पर जाकर नीतियों में नियमों में बदलाव होता है, चाहे बिजली कनेक्शन देने की बात हो, कंस्ट्रक्शन परमिट की बात हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्लियरेंस की बात हो। सैकड़ों प्रक्रियाओं को सरल बनाने के बाद, अनेकों रुकावटों को पूरी तरह हटाने के बाद इस प्रकार की रैंकिंग में सुधार संभव होता है। और यह सुधार हम अकेले नहीं करते, दुनिया के और देश भी स्पर्धा में होते हैं।
और छोटे छोटे देशों में तो सुधार बहुत सरल होता है, और इसलिए सुधार करना और इस नंबर पर टिके रहना यह भी बड़ा कठिन होता है, क्योंकि कोई भी छोटे 10 देश अगर आगे निकल गए तो हम 62 से 72 हो जाएंगे। हम कुछ बुरा नहीं करेंगे तो भी पीछे हट सकते हैं, और इसलिए ग्लोबल कंपटीशन में लगातार अपनी व्यवस्थाओं को अपग्रेड करते रहना पड़ता है।